हमारे साथ है सक्सेसिव यूपीएससी के ट्रेनिंग डीएसपीज। ये खूबसूरत सा पहाड़ी सामने अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे, हमें आके बहुत खुशी हुई। वेलकम फ्रेंड्स, सेम सिंह फॉरनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोगों के ट्रेनिंग का 12वां दिन है और 2 दिन के बाद हम लोग का ट्रेनिंग 15 दिन समाप्त होने वाला है, लेकिन समस्या ये है कि 4 महीना बढ़ा दिया गया है बल धकेल धक्का मार सेली में। इस बात से सब लोग दुखी तो हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का फोटो सेशन होने वाला है यहाँ पे 2 दिन बाद, चूँकि पासिंग आउट है तो सब लोग आज इकट्ठा हुए। आप देख सकते हैं हरी भरी हरियाली चारों तरफ है, तो आज इसका पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं कि क्या क्या कैसे कैसे मिलने वाले हैं। ये हमारे दोस्त तरुण सर आरओ हैं, है ना, राजेश जी को तो पहले पहचान चुके हैं, ये माधव जी है ना, अमर तुल्या जी ये है ना, और मैं आप पीछे आप सबको दिखला, और झाजी को तो आप जानते ही हैं, ही झाजी हमारे पूरे बैच के मतलब अभी ये सारे झाजी, ठीक है ना। तो और भी कुछ चीज़ें आपको दिखलाता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। ये आईटी का क्लास हो रहा है, इसके बाद हम लोगों का फोटो सेशन था, लेकिन कुछ कारणवश से डिले हुआ 2 घंटा। फाइनली एक बार बाहर जा करके वापस क्लास आने के बाद हम लोगों को फिर से इन्फॉर्मेशन मिलता है बीच क्लास में कि आप लोग फोटो सेशन के लिए जाइए, तो बीच क्लास में ही सब लोग रेडी हो रहे हैं बाहर फोटो सेशन के जाने के लिए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, आज सब लोग फोटो सेशन के लिए बिल्कुल तैयार रेडी हैं। सकते हैं ये हम लोग का प्रांगण है, बिहार लोक प्रशासन ग्रामीण विकास संस्थान बेवाड़ गया का ये, और यहाँ पे सभी लोग अभी फोटो सेशन करने के लिए आए हैं। यू कैन सी इच एंड एवरीवेयर, और फिर 2 दिन के बाद फिर हम लोगों का यहाँ से विदाई होगा, तो उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सब लोग अभी गैदर हैं इधर उधर हर जगह, ये खूबसूरत सा पहाड़ी सामने, धीरे धीरे एडजस्ट करना है, इन्हीं वादियों में इन्हीं प्रांगण में 4 महीना बिताना है, तो अब इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा वैलिडेट हो रहे हैं। कुर्सी खाली रह गई कुछ, तो फोटो सेशन की इस बेला में हमारे साथ है सक्सेसिव बीपीएससी के ट्रेनिंग डीएसपीज, तो इन लोगों के साथ थोड़ी सी हमारी इंस्ट्रक्शन हो रही है। देख सकते हैं गौरव सर, मैम, जितने भी सब डीएसपी हैं सक्सेसिव बैच, तो इन लोगों से किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज़ आप बोलें, अपने मंतव्य दें, किसी को कुछ बोलना है तो, क्योंकि क्योंकि 4 महीने मतलब हम लोग को तो 4 महीने यहाँ पे करना है और आप लोग को 2 दिन के बाद यहाँ से विदा हो जाना है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है जरा शेयर कर दीजिए। अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे, हमें आके बहुत खुशी मिली। अच्छा अच्छा, थैंक यू एवरीवन। एक्सपीरियंस हम 2 दिन का है। गौरव सर डू यू वांट से समथिंग? नथिंग मच। अच्छा कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसा रहा एक्सपीरियंस? काफी अच्छा है, काफी बेहतरीन है। अब तो आप जा रहे हैं राजगीर जा रहे हैं वहाँ पे और एक्सटेंसिव रूप से ट्रेनिंग होगी। हम लोग यहाँ रहा वो काफी अच्छा था और फैसिलिटीज काफी अच्छी है। थैंक यू। तो ये पूरा डीएसपी बैच है, ट्रेनिंग डीएसपी, जिनका यहाँ से 2 दिन के बाद विदाई हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे साथ में रहेंगे, पीछे संदीप सर, गौरव सर। तो अभी जो है ये एलईओ ग्रुप है और एलईओ के सारे साथी यहाँ पे हैं जो अपना फोटो सेशन करवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि हमारे कमिश्नर साहब कुछ देर के बाद आएंगे, तब तक लोग आपस में ही कन्वे कर रहे हैं फोटो सेशन। चूंकि गया कमिश्नर मयंक वरपटेश्वर के आने में विलंब थी, वही जो है ओएसडी हैं पिपार्ड के स्थानीय, तो उनके आने पर ही फोटो सेशन होने वाला था, तो इसीलिए विलंब होने के कारण सभी लोग इधर उधर थे और अपने मोबाइल के गैलरी को खूबसूरत यादों के साथ भरने की कोशिश कर रहे थे, तो पूरा जो माहौल था वो काफ़ी खुशनुमा। फाइनली फोटो सेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग अपने क्लास में वापस आ रहे थे। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सामने, ये सब आपको एसटीसी थे और उसके बाद अन्य सर्विसेज के लोग भी यहाँ पे हैं जो सब आ रहे हैं, और इस तरह से हम लोग का जो आज पूरा सेशन था काफ़ी इंटरेक्टिव था और सब लोग है ना काफ़ी इस चीज़ को, इस पल को इन्जॉय किए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉर्नेस को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।